अस्सलाम वालेकुम, हारिस इस साइड बकरे वालों की बात है। हारिस भाई, मेरा बकरा जो है वो वज़न नहीं ले रखा, मुझे अपने बकरे का वज़न बढ़ाना है, मैं क्या करूँ? आपको देखिए, एक बेसिक सी मैं आपको बात बता देता हूँ, वो आप आज ही इसको दिमाग में बिठा लेना, और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़रूरी बात है। हारिस आपके सामने खड़ा है, हारिस के पीठ पर अगर 20 किलो वज़न डाला जाएगा, और हारिस को पता है कि मैं 20 किलो वज़न ले लूँगा, झेल लूँगा, और उस झेलने के बाद उस वज़न को मैं खुश भी रहूँगा, भागूंगा भी, दौड़ूंगा भी, तो हारिस खुश है। और हारिस की पीठ पे अगर 30 किलो वजन डाला जाएगा, पता है कि हारिस को कि यार मैं 30 किलो वजन नहीं झेल सकता, ना ही मैं इस वजन को लेके भागूंगा, ना मैं खड़ाऊंगा, ना मैं खुश होऊंगा, और अगर मुझ पर ज्यादा जबरदस्ती करोगे वजन की तो मैं बैठ जाऊंगा। सेम चीज बकरों में भी है, बकरों को अपनी कैपेसिटी पता है कि वो कितना वजन झेल सकते हैं, उनको उनकी हड्डियां बता देती है कि बेटा तू 40 किलो झेल सकता है, तू 100 किलो झेल सकता है कि नहीं झेल सकता, आप जबरदस्ती बढ़ाए जाओ, एंड में क्या होगा, वो बकरा बैठ जाएगा, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना उसको खेलने से ना कूदने से। फिर आप ये बोलते हो कि यार बकरा वजन नहीं बढ़ा रहा, तो अभी पहला स्टेप जो है वो क्या करें, करें तो क्या करें जिससे मेरा बकरा एक्टिव रहे, आगे जाकर के वजन ले। देखिए, बकरों में जो सबसे मेन मिनरल जो होता है ना, आप याद रखिएगा, वो मेन मिनरल जो होता है वो कैल्शियम होता है। अब आप अपने बकरे को कौन सा कैल्शियम दें, पहले ये माइंड में आता है यार मैं कौन सा कैल्शियम में दूं। अब आप बकरा पालते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बकरे का मिजाज कैसा है, वो आपको अपने बकरे का मिजाज पता करना है। अब बकरे का जो मिजाज है वो क्या है, मिजाज इन द सेंस बोलेंगे नेचर। क्या आपके बकरे को तालाब में नहाना पसंद है? नहीं यार, क्या कह रहा हो यार हारिस भाई, बीमार पड़वाओगे क्या बकरे को? नहीं पसंद। गीले में रहना पसंद है? नहीं भाई, ये बकरा बीमार हो जाएगा यार, कैसी बातें कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर क्या करें, बकरे को कीचड़ में नहीं लाओ? नहीं यार, कीचड़ में थोड़ी नहीं लाएगा, मेरे बकरे को तो सूखा पसंद है ना। तो भाई, तुम्हारे बकरे को जब तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे बकरे का जो नेचर है वो सूखे का है, वेट का नहीं है, मेरा जानवर, मेरे पास बकरा है, चना खाता है, दाना खाता है, मक्का खाता है, पत्ते खाता है, लौंग पत्ती खाता है, सूखा खाता है ना, गीला नेचर तो नहीं है, तालाबों में नहा रहा है, डूब रहा है, और ये बारिश पड़ रही है तो मजे कर रहा है, सीधा बीमार हो जाएगा। तो आपके जो बकरे का नेचर है वो सूखे का है, ना के गीले का, इसको आप समझ लो अभी बात को। जब आपको पता लग गया कि मेरे बकरे का मिजाज सूखे का है, तो मैं कैल्शियम लिक्विड में क्यों देता हूँ? कैल्शियम की तासीर ही ठंडी होती है, और वो लिक्विड में होता है, और मैं अपने बकरे को लिक्विड में ही कैल्शियम देता हूँ। लंबे समय तक जो एनफोटल न्यूट्रिशन ने फार्म्स पर ट्रायल किए हैं लिक्विड कैल्शियम के साथ, उसमें हमें नुकसान ही नुकसान देखने को मिले हैं। पहला नुकसान ये है कि घुटनों में परेशानी आना, बकरे के घुटनों में पानी भरना, माइल्ड नमूनिया की दिक्कत आने लगती है, और हल्का फुल्का बलगम की शिकायत ये आने लगती है। बकरा ग्रोथ तो लेता नहीं है, और फार्मर्स को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं आपको पहले भी कैल्शियम सजेस्ट कर चुका हूँ, सीपीडी ग्रैनुअल। अगर मुझे सजेस्ट करना होता तो मैं आपको एनफाकाल कर सकता था, जो एनफोटल न्यूट्रिशन बनाती है। क्यों नहीं मैंने आपको सजेस्ट किया? क्योंकि वो गाय भैंसों में चलता है, गाय भैंसों में चलता है लिक्विड कैल्शियम, बकरों में नहीं चलता। बकरों में ग्रैनुअल, सीपीडी ग्रैनुअल बेस्ट रहता है। हालांकि ग्रैनुअल की तासीर भी ठंडी होती है, लेकिन ग्रैनुअल को एंजाइम्स के साथ चिलीट किया गया है, ताकि ये जो इसकी जो नेचर है ना, कैल्शियम का नेचर क्या हो गया, मैंने अभी आपको बताया, ठंडा, ये अपना ठंडापन हावी नहीं होने दे। लिक्विड कैल्शियम में चिलेशन नहीं होता एंजाइम्स के साथ, ये आइट में मुर्गियों के, मछलियों के, गाय भैंसों के कैल्शियम मिलेंगे, लेकिन आपको नहीं मिलेगा तो बकरों का नहीं मिलेगा। अरे आप तो बकरे पाल रहा हूँ ना, तो बकरे के मिजाज के हिसाब से काम करो ना, क्यों आप नहीं करते काम? जहां बकरे की बचपन से हमें उसके डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए, उसके स्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए, वहां हम उसको लिक्विड दे रहे हैं। अब वो बकरा भी परेशान है अंदर से, यार मैं ग्रोथ का मेरा टाइम है, और अभी मेरे साथ ये झेलना पड़ रहा सब कुछ, अभी मुझे नमूनिया हो जाए, मुझे माइल्ड नमूनिया की परेशानी आ जाए, मुझे टांगों में दिक्कत आ जाए। अभी कह रहा है, वीडियोस आती हैं भाई, दो दांत 30 kg, दो दांत 30 kg, दो दांत 28 kg, दो दांत 35 kg। भाई आपने उसकी स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ही नहीं करी, ग्रोथ नहीं करी, तो कहां से बकरा आगे जाके 100 किलो बनेगा? पहले ही मैं आपको मिनरल बता चुका हूँ, कैल्शियम पर ही काम करो। चाहे बकरा 15, किसी किसी फार्म पे किड्स होते हैं जो 15 दिन में पत्ती पे मुंह मारना शुरू कर देते हैं, और किसी पे जो होते हैं वो महीना भर में स्टार्ट कर देते हैं, तो आप उनको स्टार्टिंग वहीं से कर दो कैल्शियम की। सीपीटी ग्रैनुअल बेस्ट कैल्शियम है, एक महीने के अंदर आपको इंशाल्लाह रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे बकरा 15 दिन का हो या बकरा 8 दांत का क्यों ना हो। मैंने स्टार्टिंग में क्या बात कही थी कि बकरे को पता है कि मैं कहां तक गेन कर सकता हूं, कहां तक मेरी कैपेसिटी है। एनफोटल न्यूट्रिशन बकरों को एक कंडीशन में लिक्विड कैल्शियम सजेस्ट करती है, जिस फार्म पर भारी मात्रा में, ह्यूज मात्रा में ऑस्टो मलेशिया की परेशानी आ जाए, वहां पे भी लिक्विड कैल्शियम इंजेक्टेबल देना पड़ता है, और उसमें सॉल्ट्स भी अलग होते हैं, इंट्रा मस्कुलर देना पड़ता है, आप लिक्विड कैल्शियम डायरेक्ट ओरली नहीं देंगे। तो मेरी बात उम्मीद करता हूं आपको बहुत हद तक समझ आ गई होगी। ग्रैनुअल का इस्तेमाल करें, चाहे छोटा बच्चा क्यों ना हो, या बूढ़ा बकरा क्यों ना हो, या बकरी क्यों ना हो, जब तक हड्डियां मजबूत नहीं होंगी, हड्डियों में ताकत नहीं आएगी, बकरा क्या, बकरी भी नहीं पनपे भी, स्ट्रक्चरल ग्रोथ, हाइट नहीं निकली, फ्रेम नहीं बना, क्यों नहीं बना यार, आप दे ही नहीं पा रहे उसको सही तरीके से, वो मेरे थोड़ा बकरेबाजी कर रहा हो, पैसा खर्च कर रहा हो, महंगा जानवर खरीद रहा हो, तो तरीके से काम को करने की कोशिश किया करो। मेरी बात उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी समझ में आ गई होगी, जिसको ना समझ आई होगी मुझसे व्हाट्सएप कर लिएगा, इंशाल्लाह मैं टाइम टू टाइम आपको कुछ ना कुछ बेसिक आपको मैं बताता ही रहता हूँ। तो भाई दुआओं में याद रखें, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।